हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का केवाईसी कैसे कर सकते हैं, वो भी मंत्रा डिवाइस से। मंत्रा डिवाइस जलेगा भी और मंत्रा डिवाइस काम भी करेगी। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को भी देखते हैं। चलिए अपने लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में चले आते हैं। क्रोम ब्राउजर में आ चुके हैं। सर्च वाले आइकन में टाइप करना है exlink.pmkisan.gov.in। चलिए टाइप करते हैं और सर्च वाले आइकन पर प्रेस करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डालेंगे उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और सर्च वाला आइकन पर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है ओटीपी के लिए। चलिए मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं, उसके बाद गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, चाहे वो आधार कार्ड से लिंक हो या ना भी हो। चलिए मोबाइल नंबर टाइप कर दिए हैं, उसके बाद गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक ओटीपी गया है नंबर पे, वो नंबर टाइप कर देंगे। एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पे एक सेटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद मंत्रा में लाइट जलेगी वरना नहीं जलेगी। मैंने पहले से सेटिंग कर लिए हैं, इसीलिए यहाँ पे लाइट जल चुकी है। चलिए पहले केवाईसी करके दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि जिन भाइयों का लाइट नहीं जल पा रही है वो कैसे जलेगी। मंत्रा में लाइट जल चुकी है, उसके बाद फिंगर कैप्चर लेंगे, नीचे आके सबमिट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे बता रहा है प्लीज पेमेंट करने के लिए, चलिए अपना CSE ID से पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे अपना CSE पासपोर्ट डालेंगे, उसके बाद वॉलेट पिन टाइप करना है, वो भी वॉलेट पिन अपना डाल दीजिए, उसके बाद पे पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और आपका KYC भी सक्सेसफुल हो चुका है। मंत्रा डिवाइस सेटिंग करने के लिए न्यू टैब में आएंगे और सर्च करेंगे codeplug.in। थोड़ा सा नीचे आएंगे, एक ऑप्शन दिख रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड एक्सटेंशन इन क्रोम, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, मैंने पहले से कर लिया है इसलिए, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड इन क्रोम, आप लोग ऐड इन क्रोम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाना है, उनको खोलना है, उसके बाद यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आएगा, चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आएगा फॉर्म फिलअप करने, इसमें अपना नाम, ईमेल और बायोमेट्रिक सीरियल नंबर डालना है और एक महीने सब्सक्रिप्शन ले लेना है, उसके बाद आपका डिवाइस रजिस्टर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।